विंटरलाइन कार्निवाल का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने गांधी चौक पर विधिवत शुभारंभ किया। शुभारंभ से पहले सर्वे चौक से एक शोभा यात्रा निकाली गई जो घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक पहुंची। इस दौरान पूरे शहर में शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया और पर्यटकों ने भी इसका जमकर आनंद लिया। कार्निवाल के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति देवभूमि और मेरा निवेदन है यहाँ पर किया जा रहा है। कार्निवाल की अध्यक्षता मुझे याद है हमारे जिला जब जिले की आपदा आई थी 2013 में तो एक संदेश चला गया था कि आपदा पूरे उत्तराखंड में टूरिस्ट आने रही था। उस टाइम बहुड़ा जी सीएम थे तो टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए विंटरलाइन कार्निवाल की शुरुआत की थी और जो लगातार आज चल रहा है। आज पूरे प्रदेश की झांकी यहाँ पर दिखाई गई, चाहे दूरस्थ से चमोली हो, मुंशारी हो, उत्तरागढ़ हो, जौनसार हो, हर खेत के कलाकार यहाँ पर थे और जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे तो इस संस्कृति का आनंद लेंगे। और इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से जहाँ संस्कृति का आदान प्रदान होता है, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है के रूप में। और जो आज मैं इसके लिए अपने आयोजकों को माननीय गणेश जोशी, जिसमें मसूरी की जनता का पूरा भी साथ मिला है, उनके स्वागत में शिक्षण हो चाहे का पूरा साथ मिला है, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से कई वर्षों से इसका आयोजन यहाँ पर कार्निवाल का आयोजन किया है, मसूरी में हो रहा है, मुझे भी कई बार आने का अवसर मिला। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस समय विंटर्स में मसूरी में बिल्कुल पैक है टूरिज्म और टूरिस्ट का इतना आउटकम निश्चित रूप से वो भी उसको आनंद लेंगे। यहाँ की संस्कृति से भी वो कहीं ना कहीं उसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ इनको भी मनोरंजन का इससे फायदा मिलेगा। लेकिन जितने हिल स्टेशन है इनके कार्निवाल का एक अपना विशेष महत्व होता है कि जिसमें आप देखते हैं कि लोग जाड़ों के मौसम में जिससे लोग आनंद लेते हैं ठंड का, उसके लिए मैं समझता हूँ मसूरी कार्निवाल का अपना एक महत्व है। और विभिन्न राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति के साथ साथ देश विदेश दुनिया की संस्कृति से जब यहाँ पे लोग अवगत होंगे तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट का मनोरंजन भी होगा। और मैं समझता हूँ मसूरी के पर्वतों की रानी के कंसेप्ट में और बड़ा हिस्सा होता है। हर साल हम लोग यहाँ पे मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराते हैं और 27 से 30 का है। फूड फेस्टिवल भी इसके साथ इनॉग्रेट हो रहा है। अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन यहाँ पे जो पर्यटक है उनके लिए लगाए गए हैं, स्टॉल्स लगाए गए हैं। साथ ही कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर्स की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो हैं और अलग अलग तरह की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हमने की हैं जिससे कि पर्यटक के साथ साथ जो लोकल हैं वो भी पूरी तरह से